हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक तो पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। यूपी बोर्ड के सिलेबस में 30% की कमी आ गई है। केवल बच्चों को 70% ही पढ़ना है और उस 70% को जो पढ़ना है उसका सिलेबस जो है, जो सिलेबस है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या कम हुआ है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। COVID-19 महामारी के चलते हुए ये डिसीजन लिया गया है और ये डिसीजन बहुत पहले ले लिया गया था, लेकिन अब सिलेबस भी हमारे सामने आ चुका है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, कुछ भी हो, हमको पता चल गया है कि अब हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद यहां पर हम लोग सर्च करेंगे यूपी एमएसपी .edu.in और इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा UPMSP.edu.in, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक पेज हमारे सामने खुल जाएगा। अब हमको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सत्र 2020-21 हेतु कक्षा 9, 10, 11, 12 के 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम। तो 30% कम कर दिया गया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोचिंग नहीं चल पा रही है, स्कूल नहीं चल पा रहे हैं, जिससे के कारण हम लोगों को कोर्स कम किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10 जब हम लोग ओपन करेंगे तो एक पीडीएफ खुल के आएगा हमारे सामने। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए ये खुल गया है। तो अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि विज्ञान के लिए आप शायद पेज नंबर 38 पर चलेंगे जहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए ये रहा 36, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विज्ञान, ठीक है ना। तो मैंने लगभग आपको पेज नंबर बता दिया है जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी पेज हैं इस पीडीएफ में। और गणित के लिए पेज नंबर 48 पर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा गणित हमारा। देखिए इसमें हमारे पास कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं पर ही हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। ये सब किसके कारण हो रहा है, COVID-19 महामारी के कारण हो रहा है, यहाँ पर लिया गया है। ये यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं, COVID-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 10% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही आप पेज, अगर आप 12th का चाहते हैं, 11th का चाहते हैं तो आप 11th पे क्लिक करेंगे, 12th का चाहते हैं तो आप 12th पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है कम हुए हैं। देखिए चैप्टर नहीं कम हुए हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर नहीं कम हुए हैं, उस चैप्टर में कुछ टॉपिक हैं वो टॉपिक हमारे कम हो गए हैं, ठीक है ना। सारे चैप्टर कम नहीं हुए हैं, कोई भी चैप्टर कम नहीं किया गया है, चाहे वो
नाइन्थ हो, चाहे वो टेंथ हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, हर क्लास में कुछ पॉइंट कम किए गए हैं। तो इस तरीके से आप भी जाकर अपना चेक कर सकते हैं कि आपको किस किस पॉइंट पर पढ़ाई करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।